नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी केवलारी से। लॉकडाउन व ओलावृष्टि से दोहरी मार झेल रहे सब्जी उत्पादक किसान, खेतों में लगी सब्जियां सड़ रही, नहीं मिल रहा उचित मूल्य। कोरोना संकट की इस घड़ी में आज लोगों को समझ आया कि औद्योगिक उत्पादों के बिना जिया जा सकता है, लेकिन किसानों के उगाए खाद्यान्न और सब्जियों के बिना नहीं जिया जा सकता। एक ओर जहां देश के डॉक्टर, नर्सेज, पुलिसकर्मी व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारी कोरोना के खिलाफ फाइटर के रूप में सम्मान पा रहे हैं, तो दूसरे किसान इससे महरूम है। लेकिन खाद्यान्न और सब्जियों की पूर्ति कर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही कोरोना की इस जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस समय किसान, विशेषकर सब्जी उत्पादक किसानों की हालत काफी गंभीर है। बड़े पैमाने पर सब्जी उगाकर बड़े बड़े शहरों और अन्य प्रदेशों में पहुंचाकर बेचने वाले किसानों की सब्जियां खेत में सड़ रही है। उन्हें तोड़ने वाले मजदूर तक पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे। स्थानीय स्तर पर उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ केवलारी विधानसभा क्षेत्र राजस्व निरीक्षण मंडल भूमा के लगभग 40 गांवों में विगत माह भारी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे सब्जी उत्पादक किसानों की भी 40-50% सब्जियां नष्ट हो गई। लेकिन फसल बीमा का प्रीमियम भरने वाले इन किसानों की सुध लेने आज तक राजस्व अमला नहीं पहुंचा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। इस लॉकडाउन के चलते हुए मेरी सब्जी नागपुर नहीं जा पा रही है, और मैं प्रायः हमारी सब्जियां जो है नागपुर महाराष्ट्र में जाया करती थी, जिससे आए उचित मूल्य मिल जाता था। लेकिन इस महामारी के चलते जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो लॉकडाउन हुआ है, इसके कारण क्या है, सब्जी हमारी नागपुर नहीं जा पा रही है, जिससे हमें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कौन सी सब्जी लगाए हैं अभी आपने? अभी हमने शिमला लगाया हुआ है, टमाटर है। कितना नुकसान हो रहा है आपका पर डे? लगभग 1,00,000 रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है। 1,00,000 रुपये पर डे का आपका नुकसान हो रहा है, मूल्य उचित नहीं मिल पा रहा है जी। तो अभी जो आपकी सब्जियां कहाँ सप्लाई हो रही हैं? बस सर, सिवनी, बालाघाट, मंडला। और उसके अलावा भी कोई समस्या है? अभी ओलावृष्टि हुई थी तो जी हाँ, इस बीच में पहले आज से 15 दिन पहले ओलावृष्टि हुई, जिससे लगभग 40-45% हमारी फसल बर्बाद हुई। लेकिन इस आपदा के बाद भी आज तक कोई राजस्व अमला हमारे यहाँ आके नहीं देखा है। कोई सर्वे और आपकी नुकसान का मुआयना नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ। आप फसल बीमा की किस्त भरते हैं? हाँ जी, मैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मेरा फसल बीमा होता है, लेकिन आज तक कोई पटवारी, हराई पटवारी, कोई भी मला अधिकारी अभी राजस्व का अमला नहीं आया है यहाँ पे देखने। तो आपकी क्या लागत निकल पा रही है? जी नहीं। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।